काय सांगितलंस तुम्हाला? We'll talk about the material palette, color palette, and we have created this pattern so that आप door खोल के उसके सामने comfortably खड़े हो सको। आपका जो भी circulation area है, उसमें minimum होना चाहिए full of windows। एक पूरी, एक बहुत बड़ी window है। If you see, only two materials और colors भी दो ही हैं। I am really, really happy with the finishing, especially for senior citizens। हमेशा continuously bed पे बैठना उनको possible नहीं होता। So इसके लिए we decided कि यहीं पे हम mirror incorporate करेंगे। खुद ही खुद के दारे। अगर रात को चलने के लिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दो कर्टन है, शेयर और ओपेक, दोनों कर्टन से दोनों ट्रैक पे। हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आईएसएस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन ऑल द वीडियोज ऑफ द सीरीज दैट वी हैव अपलोडेड सो फार। आई होप आप सबने वो वीडियोज देखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं, प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट यू आर वॉचिंग, देन मेक श्योर हमने काफी सारे इन प्रोसेस वाले वीडियोज अपलोड किए हैं। किचन डिजाइन वाला, एक डेडिकेटेड किचन डिजाइन वाला वीडियो और बेडरूम रिवील्स अपलोड किए हैं। बट अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर हम एक आई बटन ऐड कर देंगे, उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन चेक आउट द एंटायर सीरीज। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियोज देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे काफी सारे क्विक रील्स और स्निपेट्स हमने इस साइट के ऐड किए हैं, सो मेक श्योर इफ यू आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम यू कैन चेक आउट आर हैंडल्स एंड चेक आउट ऑल द अदर रील्स। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में ये जो बेडरूम है ये पेरेंट्स बेडरूम है और ये जो रेसिडेंस है उसकी एक काफ़ी, इसका अगर आप डिज़ाइन देखेंगे काफ़ी न्यूट्रल डिज़ाइन है। सो विल टॉक अबाउट दैट, विल टॉक अबाउट द मटीरियल पैलेट, कलर पैलेट एंड ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद द प्लानिंग। लेट्स स्टार्ट। सो अभी अगर आप देखेंगे तो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द बेडरूम, बट इनिशियली ये जो बेडरूम थी दिस वॉज डिजाइंड एज अ मास्टर बेडरूम और ये जो फ्रेम है यहाँ पर एग्जैक्टली बेडरूम का डोर था और यहाँ पर जो वॉशरूम है दिस वॉज सपोज टू बी मास्टर वॉशरूम, बट बिकॉज हमने इसमें चेंजेस किए वी इंट्रोड्यूस्ड एडेड दिस फ्रेम और ये कॉमन वॉशरूम हो गया। सो नाउ दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द पेरेंट्स बेडरूम एंड लेट मी क्लोज द डोर। सो यस, दिस इज द एंट्रेंस और इस साइड में नेक्स्ट टू द एंट्रेंस इफ यू सी ये पूरी जो वॉल है यहाँ पर फुल वार्डरोब्स है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एंट्रेंस इट वॉज क्लियर प्लानिंग जिस तरीके से था कि अ बेड विल बी ऑन दिस साइड। आपका जो भी सर्क्यूलेशन एरिया है वो किसी भी रूम के डिजाइन में मिनिमम होना चाहिए और काफी क्लियर होना चाहिए, जिग जैक या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इफ यू वुड हैव प्लेस द बेड ऑन दिस साइड देन वो सर्क्यूलेशन एरिया सी शेप में और काफी अंदर आते ही एक तो प्राइवेसी नहीं मिलती और वो काफ़ी ऑड हो जाता। सो दिस वाज अ गिवन कि द बेड विल बी ऑन दिस साइड एंड देर आर टू विंडो, सो देर इज़ वन विंडो हियर और यहाँ पर इसके एग्जैक्टली सामने एक कंप्लीट जो वॉल है दैट इज़ फुल ऑफ विंडोज। एक पूरी, एक बहुत बड़ी विंडो है और ये जो डिज़ाइन जब हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ये पेरेंट्स बेडरूम है, एक तो ये था कि रूम बड़ी दिखनी चाहिए और काफ़ी न्यूट्रल और सटल कलर पैलेट होना चाहिए। तो इसमें हम कोई भी ब्राइट कलर्स या बहुत लाउड कलर्स नहीं ऐड करना चाहते थे, एज इट इज़ वी वांटेड टू कीप इट वेरी सटल, वेरी न्यूट्रल और बहुत ज़्यादा मटेरियल्स भी हम नहीं ऐड करना चाहते थे। तो इसके लिए इफ यू सी कलर ही दो ही है, सो अदर देन दिस वी हैव नॉट एडेड एनी अदर थर्ड कलर। इसका जो भी 3D बनाया था, सो अलॉन्ग विद दिस वील ऑल्सो एट द 3D, सो यू कैन सी 3D में जैसे हमने डिज़ाइन बनाया था एग्जैक्टली आई वुड से 99% वो वैसे का वैसा बना है एंड वी ऑल्सो सिलेक्टेड द मटीरियल्स बेस्ड ऑन द 3D। सो ये जो है यहाँ पर अगेन यू कैन सी 4 शटर्स और उसके साथ एंड में जैसे हम हमेशा एक एक्सटेंशन वाला हिस्सा ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी एक एक्सटेंशन ऐड किया है, अगेन पुश बटन पे है बिकॉज ये जो फोर शटर्स है उसको हमने एक लॉन्ग हैंडल्स दिए और जैसे हमने इनिशियली डिज़ाइन किया था कि दो मटेरियल्स हम करेंगे और बिकॉज एक तो रूम बड़ी दिखनी चाहिए इसके लिए उसको ये जो हाइट है जो हमारी हेडबोर्ड की हाइट है और हेडबोर्ड में जो पैनलिंग किया है यही हाइट में ये ग्रू हमने ली है और यहाँ पर वी एडेड अ मेटल स्ट्रिप और दोनों जो मटेरियल्स है सो यहाँ पर इफ़ यू सी जो सारे मटेरियल्स हैं मैट है, कुछ भी यहाँ पे ग्लॉसी वगैरह नहीं है। इफ़ यू सीन द मास्टर बेडरूम वाला वीडियो उसमें हमने काफ़ी ग्लॉसी वाइट्स के साथ एक्सप्लोर किया था बट यहाँ पर वी वॉन्टेड टू बिकॉज वी वॉन्टेड टू कीप इट काफ़ी मिनिमल और काफ़ी सिंपल। तो इसके लिए इफ़ यू सी ये जो लैमिनेट है ये भी लैमिनेट है, ये भी लैमिनेट है और ये भी अगर दूर से आप देखोगे तो फ्लैट लगेगा बट इसमें एक टेक्सचर पेंट जैसा टेक्सचर है, हल्का टेक्सचर है जिससे वो बहुत अच्छा लगता है, फ्लैट नहीं लगता। तो ये और ये जो लैमिनेट है उसके बीच की जो ग्रूव है वहाँ पर एडेड अ मेटल स्ट्रिप और उसके नीचे वी वांटेड टू गो फॉर लाइक वी वॉन्टेड टू एम्फोसाइज द हैंडल्स बिकॉज बाकी सब कुछ काफ़ी सटल है। सो यहाँ पर इस वार्डरोब के एंड में जो एक्सटेंशन वाला हिस्सा है और नॉट नेसेसरी कि आपको वो ऐड करना ही है बट इन दिस केस अगर आप देखोगे कि जितनी वॉल की लेंथ है सारे शटर्स ऐड करने के बाद एक तो हम शटर्स जब डिवाइड करते हैं तो एक हमेशा हम कोशिश करते हैं कि द शटर्स शुड बी अराउंड इक वी ट्राई टू कीप द शटर्स अराउंड 18 inches इन विड्थ। एक तो आप उससे बहुत ज़्यादा बड़े बनाओगे तो जितनी आपकी वार्डरोब और बेड के बीच में जितनी जगह है जितना बड़ा आप शटर बनाओगे उतना
खोलने के बाद उसके सामने आपको उतनी ही ज़्यादा जगह बेसिकली आपके डोर के स्विंग के वैसे यूज़ होती है, और अगर बहुत छोटा रखोगे उससे तो जो डोर का प्रोपोर्शन है बहुत छोटा रखोगे तो डोर के प्रोपोर्शन वाइज वो काफ़ी ऑड लगता है, आपकी विड्थ जितनी कम होती जाती है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अराउंड 18 इंचेस या जितनी सामने जगह है, 18 नहीं तो 21 इंचेस वगैरह इज ऑल्सो ओके, बट सो दैट आप डोर खोल के उसके सामने कंफर्टेबली खड़े हो सको और बहुत ज़्यादा टाइट जगह नहीं है। तो इसके हिसाब से शटर्स प्लान करने के बाद देयर वॉज दिस एक्स्ट्रा स्पेस। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमेशा जैसे हम करते हैं, हमने ऊपर तो वी एडेड हुक्स, तो यहाँ पे आप हुक्स देख सकते हैं और नीचे जो शेल्स हैं वो सारे शेल्स जो है बटन्स के ऊपर है, तो अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं या आप निकाल के एक जगह पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं देर आर बटन्स, बट यहाँ पर क्योंकि कुछ हैंग किया है इसके लिए ऊपर के जो शेल्स हैं वो निकाल के एक के ऊपर एक स्टैक किए हैं, एंड या ऑल द मिसलेनियस स्मॉल स्मॉल आइटम्स कैन गो इनसाइड। सो इस तरीके से ये स्टोरेज प्लांट है। नाउ ये बेड के पीछे का जो पैनलिंग है, सो ये सेम मटेरियल सेम कॉम्बिनेशन हमने इसके पीछे यूज़ किया है। अगर पैनलिंग में आप देखोगे कि ग्रूव वाला पैटर्न हमने दिया है, नाउ ये जो ग्रूव है ये पेंटेड है और 6 mm के ग्रूव से है और एंड में सिर्फ एक जगह पे तिकडे जायला लागेल मला ते इकडे एक्सप्लेन नाही करता येत आता। वी यूज द सेम मटेरियल सेम 2 लैमिनेट्स और यहाँ जितनी हेडबोर्ड की विड्थ है वहाँ पर वी हैव क्रिएटेड दिस पैटर्न और उसमें ग्रूव्स किए हैं और सेम पैटर्न कंटिन्यूज इन द सीलिंग। नाउ हेडबोर्ड के बाद ये वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इनिशियल डिज़ाइन में हमने एक्चुअली यहाँ पर लोअर्स ऐड किए थे और हमने सोचा था ये जो सेकेंड वुडन वाला लैमिनेट है वुडन प्रिंट वाला, तो विल बाय समथिंग विच इज सिमिलर, उसको क्लोज कोई लोअर्स हम लेंगे और वो हम लगाएंगे। बट जब हम सिलेक्शन के लिए गए थे तब हमें रियलाइज हुआ कि उसको एग्जैक्टली मैचिंग लोअर्स मिलना बहुत मुश्किल है, एंड अगर लोअर्स भी लेंगे तो जैसे लैमिनेट में 8 फुट के बाद आपका जॉइंट आता है वैसे लोअर्स में भी आने वाला है, और लोअर्स में एक इशू होता है कई बार कि जो मटीरियल जो प्रिंट ट्रेंड में है बहुत ईजिली मिलता है, बट आफ्टर अ पॉइंट जब उसका एक लिमिटेड स्टॉक खत्म हो जाता है और अगर आपको उसकी जरूरत है तो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड बिकॉज यहाँ पे हमने वुडन लैमिनेट लिया ही था तो इसके लिए भी डिसाइडेड कि लूअर्स जैसे ही हम विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ पैटर्न और इसके बीच में भी हम ग्रूव्स दे और इसके बीच में भी हम ग्रूव्स देंगे तो देखने के बाद ऐसे लगेगा कि चारकोल पैनल्स जैसे ही है, बट वी यूज द सेम लैमिनेट एंड यस उसके आगे द सेम जॉइंट वाला जो पैटर्न है सेम इसके आगे कंटिन्यू होता है। बस यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं दिस इज अ कंसील्ड ट्रैक लाइट और ये एक ट्रैक लाइट का सैम्पल सिलेक्ट करके उसके हिसाब से एक खाँचा क्रिएट किया था जो एग्जैक्टली इसमें ट्रैक लाइट पर फिट हो गया। नाउ ये जो है दीज आर मैग्नेटिक और ये आप निकाल के आपको इसकी पोजीशन चेंज भी करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। सो ये सेम जो पूरा पैटर्न है सीलिंग में कंटिन्यू होता है और इस साइड में जहाँ पर टीवी यूनिट है सेम पैटर्न नीचे आता है, सो यू कैन सी द सेम ग्रूव्स। और आई थिंक ये भी जो है इसका फिनिशिंग, आई एम रियली रियली हैप्पी विद द फिनिशिंग, बहुत क्रिस्प किया है इसका फिनिशिंग। और ये भी जो लैमिनेट है 8 फुट के बाद जहाँ पे जॉइंट आता है, ये जो पैनल से इसमें तो कोई जॉइंट आया नहीं है बिकॉज 8 फुट बाय 4 फुट से तो ये पैनल छोटे हैं, बट यहाँ पर बिकॉज लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसमें जॉइंट्स भी है, बट द कार्पेंटर्स हैव डन सच अ फैबुलस जॉब कि उन्होंने सारे जो शीट्स हैं सारे जो स्ट्रिप्स हैं उसका जॉइंट एक लाइन में नहीं लिया है, वो भी उन्होंने स्टैगर कर करके लिया है तो क्विकली वो जॉइंट नहीं दिखता और अगेन 0 जॉइंट है तो उतना एम्फसाइज भी नहीं होता, बट आई रियली लाइक द फिनिशिंग, लुक्स रियली नाइस और खुद ही खुद के दारे साइड की तरह विल लुक्स रियली नाइस। और नीचे अगेन टीवी यूनिट के नीचे यू विल सी सेम एक लेज है जहाँ पर हमने वो वुडन प्रिंट वाला लैमिनेट यूज़ किया है एंड अगेन अ लाइन ऑफ ड्रॉवर्स। सो कुछ मिसलेनियस आइटम्स आपको रखने हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगेन बेड के नीचे भी स्टोरेज है। जब हम 3D डेवलप कर रहे थे तो हमने डिसाइड किया था कि एक साइड में हम फिक्स साइड टेबल देंगे एंड ऑन द अदर साइड विल गिव अ लूज मूवेबल साइड टेबल। सो यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर एक हमने इनिशियली सोचा था, क्लाइंट ने कहा था कि उनकी जो मदर है उनको आदत है कि एक रिक्लाइनर में बैठ के शी वुड लाइक टू एन्जॉय द व्यू आउटसाइड। सो ये जो जगह है हमने ये सोच के थोड़ी बड़ी रखी है, अगेन बिकॉज ऑफ द कर्टन्स ऐसा लग रहा है कि ये जगह थोड़ी कम है, बट यहाँ पर बिकॉज 2 कर्टन्स हैं शेयर और ओपेक, दोनों कर्टन से दोनों ट्रैक पे एक अराउंड 8 to 10 inches की जगह यहाँ पर है और ये भी जगह इतनी इनफ है कि अगर एक रिक्लाइनर भी नहीं रखना है एक नॉर्मल चेयर और फुट रेस्ट यहाँ पर अच्छे से एकोमोडेट हो सकता है, बिकॉज वी ऑलवेज से कि कोई भी बेडरूम हो वहाँ पर बेड छोड़ के एक
alternate seating if you can incorporate, it's the best. Especially for senior citizens, हमेशा continuously bed पे बैठना उनको possible नहीं होता, comfortable नहीं होता. तो इसके लिए एक alternate seating होगा, तो वहाँ पे बैठ के they can enjoy the view, they can enjoy watching the TV. Now let's talk about the mirror. So इस room में एक side में तो window है, तो ये जो side है, and यहाँ पर अगर ये pattern नहीं होता और अगर हम यहाँ पे mirror भी देते थे, this would have been really far away from the wardrobe. हम कोशिश करते हैं कि wardrobe के थोड़ा पास में mirror हो, otherwise आप generally, I don't know, at least girls have this habit कि कुछ भी आपको लगा के देखना है कैसे दिख रहा है. तो if the mirror is next to the wardrobe, it's always easy. Otherwise, आपको लेके यहाँ पे आना, check करना काफ़ी लंबा हो जाता है. So इसके लिए we decided कि यहाँ पर हम mirror नहीं देंगे, और जो TV unit है उसके side में ही we have incorporated the mirror. Let's see that. ये door open करने के बाद door swing यहाँ तक door ख़त्म होता है. उसके बाद ये जो जगह है, this positioning is perfect for the mirror because आपने wardrobe से कुछ निकाला, आपको देखना है कैसे दिख रहा है, आप क्विकली यहाँ पे देख सकते हैं. और this is again closer to the entrance also, और इसके लिए ये use करना काफ़ी comfortable है. You don't have to walk all the way till that point. Simple mirror दिया है, और dresser के लिए जैसे हम elaborate हमेशा storage देते हैं वैसे दिया नहीं है, because she said अगर छोटे थोड़े shelves भी होंगे तो वो that is enough for whatever that she wants to keep. Because this is designed for senior citizens, एक तो यहाँ पे we have tried to avoid sharper corners जहाँ पे भी possible है. So if you see ये जो main ledge है, यहाँ पर भी corner को हमने file किया है और उसको एक rounding लगाया है. सो इसके वजह से एक तो आपके शार्प कॉर्नर्स कहीं पे भी आप अवॉइड करते हैं, ऑब्वियसली नहीं लगते हैं, एंड इट इज़ नॉट जस्ट स्पेसिफिकली फॉर द सीनियर सिटीजन, आई थिंक फॉर एनी एज ग्रुप्स कुछ शार्प कॉर्नर्स होते हैं लैमिनेट के, बहुत लगते हैं पैर को. तो ये हमने अवॉइड करने के लिए ऐसे किया है कि अंदर आने के बाद इमीजिएटली हमने यहाँ पर मिरर दिया है. तो यहाँ पर जो स्विच बोर्ड था वो हमें कहीं पर तो वी वॉन्टेड टू रीलोकेट इट. नाउ एक तो ये है कि यहाँ से डोर ओपन करने के बाद द अदर ऑप्शन वॉज टू हैव द स्विच बोर्ड ऑन दिस साइड, बट इसके जगह पे बिकॉज द ड्रेसर इज हियर, यहाँ पर जो निशेस है यहाँ पर ही हमने स्विच बोर्ड दिया है. तो अगेन व्हेन यू एंटर इट इज़ इजीली एक्सेसिबल, और इसके जो लाइट्स है, जो ड्रेसर अगर आपको यूज़ भी करना है तो भी इसी लेवल पे है, इजीली कन्वीनियंटली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द हेडबोर्ड फैब्रिक. सो यहाँ पर सब कुछ जो है न्यूट्रल है और बेज और ब्राउन्स में है. तो इंटेंशनली वी वॉन्टेड टू कीप इट लाइक दैट, एंड वी थॉट ऑफ एडिंग अ न्यू कलर, बट देन वी फेल्ट उसके साथ एक नया कलर ऐड करने की जगह पे सेम कलर फैमिली में अगर उसके शेड या टिंट में कुछ एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट टेक्सचर हम ऐड करेंगे तो इट लुक नाइस. तो इसके लिए इफ यू सी सेम आर्टिफिशियल लेदर, ब्राउन है बट ब्राउन में भी कुछ शेड्स हैं, एंड थोड़ा सा उसमें सेल्फ टेक्सचर है जिसके वजह से वो और अच्छा लगता है. तो यहाँ पर सेम आर्टिफिशियल लेदर हमने साइड में जो फोमिंग किया है बेड के साइड में, वी यूज द सेम मटेरियल हेयर ऑल्सो. सो अगर आपको फुटलाइट्स ऐड करने तो वो आप कर सकते हो, या अदरवाइज सारे लाइट्स बंद होने के बाद अगर आपको सर्कुलेशन एरिया हाईलाइट करना है वॉशरूम तक जाने के लिए, तो आई थिंक दीज लाइट्स रियली हेल्प. आपके आँख में भी नहीं आते, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन सी फ्लोर क्लियरली. ऑल सारे बेडरूम्स में हमने सिमिलर फोमिंग किया है. सो फोमिंग करके भी बेसिकली वॉट यू डू इज, सो जो सारे शार्प कॉर्नर्स होते हैं अगर आप लैमिनेट यूज करते हो, सो यू कैन अवॉइड दोज कॉर्नर्स. देर आर अदर मटीरियल्स विच आर अवेलेबल लाइक कोरियन, एंड यू कैन यूज वीनियर, बट आई थिंक फोमिंग आजकल इन है, काफ़ी ईजी है करना, बहुत सिंपल है. एंड अनलाइक हेडबोर्ड वाला फोमिंग जो है, जो कई बार लोगों को लगता है कि बालों का ऑयल लगे या कुछ लगेगा खराब होगा, ये जो साइड का फोमिंग है इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता क्योंकि ये वर्टिकल सर्फेस है और नीचे है, तो इतना ये खराब भी नहीं होता. एंड यू कैन कीप इट ऑफ द फ्लोर, थोड़ा सा नीचे स्कर्टिंग भी रखोगे तो पानी से भी खराब नहीं होता, एंड एट द सेम टाइम आपको ये कॉर्नर्स वगैरह पैर को नहीं लगते. सो विद दिस वी रीच द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी हो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा. भी किचन डेडिकेटेड वीडियो सो ज़रूर देखिएगा, उसमें वी ऑल्सो टॉक अबाउट एस्टिमेशन एंड लॉट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट टिप्स. सो मेक श्योर यू सी दैट वीडियो. सो वीडियो किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, या जो प्रोबेबली खुद के घर का रिनोवेशन प्लान करने वाले हैं. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल वीडियोस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कीजिए. मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय.